हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। टुडे और सॉरी आज मैं आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लाई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर GS1 का पेपर है, जो 2022 में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर पूछा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। GS1 मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, इसको आज मैं सॉल्व करूंगी और ये GS1 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी को समझने के लिए। यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन लाता है, किस तरह का दिमाग सोचता है, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब इससे सीखेंगे प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंट्रो लिखेंगे, कोई भी जब आंसर राइटिंग हम करेंगे पहले उसको इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला। तो यहाँ पर मूर्तिकला के बारे में पूछा है, तो मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, इसको बताते हुए हम आगे लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मूर्तिकला केवल सजावट का साधन नहीं होती, बल्कि क्षेत्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, धर्म, कर्मकांड और स्मारक आदि का चित्रित करती है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में मूर्तिकला का उपयोग किया जाता है और मूर्तिकला उस समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। कांस्य मूर्तिकला, भव्य मूर्तियां, परिष्कृत पत्थर नक्काशी जैसी मूर्तिकला प्राचीन संस्कृतियों की सटीक छवियों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन सब चीजों को हम की पॉइंट इसमें ऐड करें, सांस्कृतिक, धार्मिक, कर्मकांड, स्मारक। तो किस तरह से मूर्तिकला का उपयोग होता है, किस तरह से हमारे महत्वपूर्ण है या क्या भी है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो इंट्रो आपका थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए और इसमें की पॉइंट ऐसे ही ऐड होने चाहिए, ताकि आप छोटी चीजों में काफी बड़ी चीजें बता सके। ठीक है, तो इंट्रो इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में प्रमुख बिंदु पूछा है, तो आप प्रमुख बिंदु को आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं। जैसे कि सबसे प्रचलित संदेशों में से एक है, एक मूर्ति धर्म के विभिन्न रूपों में सभ्यता के विकास के बारे में बताती है। तो जैसे कि बौद्ध धर्म की मूर्ति हो गई, या किसी धर्म की मूर्तियों से हमको उसके अतीत के बारे में पता चलता है, उस सभ्यता में कौन सा क्या हो रहा था। जैसे कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो उसमें जो मूर्तियां मिली थी पशुपति की या फिर जो भी है, तो उनके बारे में वहां पर, वहां के बारे में नॉलेज हमको उस काल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में हमको नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण के दौरान बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पद चिन्हों, स्तूप, कमल, सिंहासन और चक्र आदि के माध्यम से चित्रित किया गया है। तो ये बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण की बात बात की गई है। मूर्तिकला या तो साधारण पूजा या सम्मान का संकेत देती है, या कभी कभी जीवन की घटनाओं की ऐतिहासिकता को दर्शाती है। तो मूर्तिकला से हमको पता चलता है कि पूजा सम्मान मतलब किस तरह से धार्मिक लोग रहते थे, किस तरह से पूजा करते थे, किस तरह से सम्मान करते थे, इन सब के बारे में पता चलता है, इसको बताएंगे हम। और उसके बाद ये भी बताएंगे उस तरह की उस परिस्थिति में, मतलब उस ऐतिहासिक जीवन में किस तरह की घटनाएं होती थी, किस तरह की जीवन घटनाएं होती थी। जैसे उनके चित्र को, जैसे कि आपको गुप्त काल में समुद्रगुप्त का चित्र देखा होगा बीड़ा बजाते हुए, तो उसे पता चलता है कि वो बीड़ा के शौकीन थे। या मतलब ऐसे कि जैसे लक्ष्मी गणेश का फोटो सिक्कों पे आप देखेंगे, तो उससे अनुमान लगता है कि हाँ उस काल में क्या हो रहा था, किस तरह से लोग धार्मिक थे, या किस तरह से सिक्कों पर किस चीज का उपयोग करते थे, और क्या व्यापार कैसा होता था, क्या कुछ भी होता था। तो इन सब चीजों के बारे में छोटी छोटी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो जातक कथाएं भी मूर्तिकला के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थी। तो जातक कथाएं भी मूर्तिकला द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे बहुत सारे जो होते हैं शैल, वहां पर बड़ी बड़ी चित्रें बनी होती हैं जो एक कथा का वो निरूपित करती हैं। ठीक है, तो संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के प्रतिनिधित्व के रूप में चक्र की आकृति महत्वपूर्ण हो जाती है। धर्म चक्र के रूप में, जैसे धर्म चक्र के रूप में चक्र का जो अशोक का चक्र, जो हमारे आप देखे होंगे हम अशोक चक्र का सिंबल है ना झंडे पे, तो उस तरह से हम धर्म चक्र परिवर्तन आदि बौद्ध कला में आपने पढ़ा होगा, तो इनके भी बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान होती है, किस तरह से जीवन का चक्र चलता है, नॉलेज जो भी होता है। तो पहिया, पहिया बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो उसमें पहिया है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र के चक्र के केंद्र में तीन छल्ले हैं, जो बौद्ध धर्म के तीन रत्न, बुद्ध बुद्ध मतलब शिक्षक, धर्म और संघ समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, स्थापत्य कला से।
धर्म धर्म की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने के लिए धर्म चक्र का प्रयोग किया जाता है। जितने भी की पॉइंट्स होंगे आप उसको अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर आपका फोकस उस पे देखे और उस पे फोकस करे, और वो आपका, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, तो जो अट्रैक्टिव वर्ड होंगे वो सामने आ जाएंगे, तो उस तरह चेक करेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गंधार मूर्ति कला में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय गंधार मूर्ति कलाओं का संगम था जो समाज की संरचना परंपरा को प्रकट करती है। तो ये भी जानकारी हमको इसी से प्राप्त होती है, मूर्ति कला वगैरह से। मथुरा में स्थानीय मूर्ति कला परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि यहाँ परंपरा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में विस्तारित हो गई। तो मथुरा से होते हुए मूर्ति कला परंपरा का पूरे भारत में धीरे धीरे उत्तर भारत में या पूरे विस्तारित हो गई। तो अगला पॉइंट आप देखेंगे इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संगोल। तो आपको उदाहरण देना बहुत जरूरी होता है। पंजाब में संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां हैं तो उदाहरण है। मथुरा में वैष्णव और शैव धर्मों के चित्र भी पाए जाते हैं, ये भी आप बताएंगे। यह समाज के धार्मिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, आप की पॉइंट बताते जाएंगे। चोल मूर्तिकला ने 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में कांस्य ढलाई शुरू की। इसी दौर में बनी नटराज की प्रतिमा अपने विभिन्न रूपों में पहला स्थान रखती है। तो कांस्य की मूर्ति थी नटराज की, जो कि हमको मिला था चोल साम्राज्य के बारे में बताता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कांस्य की ढलाई शुरू हुई थी इसी काल से, ठीक है। तो उसके बाद इतना सब कुछ बताते हुए अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक में मिलेंगे। तो अभी तो मैंने इतने ही बताए हैं, लेकिन और भी इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल 150 वर्ड में आपको क्या ही लिखते हैं, तो 150 वर्ड में लिखने का एक तरीका होता है, पॉइंट वाइज उसको बताइए और एक्सप्लेन करिए और थोड़ा उसको एग्जाम्पल के रूप में परिदृश्य करिए। आगे हम देखते हैं फिर इतना लिखने के बाद मेन बॉडी जो आपने लिखी स्टेप बाई स्टेप, मतलब पॉइंट वाइज। तो अब अगला क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, जीवन के विशिष्ट परिदृश्य मूर्ति कला में दिखाए जाते हैं, ठीक है। लगभग सभी मूर्तियां और चित्रकलाएं आसपास के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों से प्रेरित होती हैं, ठीक है। मूर्तियों सहित कला के सभी कार्यों का उद्देश्य अंततः एक संदेश देना होता है, सही बात है। जो भी मूर्तियां बनती है वो हमको कोई ना कोई संदेश देती है। विचारों ऐतिहासिक व्यक्तियों, यहाँ तक कि वीर पौराणिक कथाओं को व्यक्त करने के लिए कलाओं द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो मूर्तियों का क्या महत्व है, कैसे महत्व है, उनके द्वारा क्या क्या हम सीखते हैं, क्या क्या जानते हैं, कैसे ऐतिहासिक जानकारी आदि प्रदान प्राप्त करते हैं, धार्मिक धार्मिक कैसी वहाँ पर क्या धार्मिक विचार रखते थे लोग, कैसे रहते थे, राजनीतिक आदि, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी चीजों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो इस छोटा सा कंक्लूजन आप पूरे को लिखने के बाद ये देंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मेंशन और राइटिंग, ओके। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन छोटा सा देंगे और इंट्रो भी छोटा सा लिखेंगे। उसके बाद यही कंक्लूजन और वही इंट्रो और वही मेन बॉडी थोड़ा सा पॉइंट वाइज छोटे छोटे शॉर्ट में की पॉइंट लिखकर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और अपने फीडबैक को दीजिएगा। और मैंने कई बार कहा है आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, और कंटिन्यू रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ना प्लीज, ठीक है, चलिए बाय बाय।